नमस्कार, आई एम डॉक्टर हेमलता, कंसल्टेंट इन कैलाश हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर मींस मुंह का कैंसर। ये कैंसर हो सकता है लिप्स का, टंग का, चीक्स का, हमारे गर्दन में भी हो सकता है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट में, जो तालू जिसको हम बोलते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के पेशेंट हमारे देश भारत में हैं, और इसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, जो कि बहुत ही दुख होता है। और ये कैंसर ऐसा है कि जिसको हम अगर शुरुआती स्टेज में अगर हम इसको पकड़ लें, नोटिस कर लें, तो ये हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेट हो जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इसके लिए हमें सेल्फ़ चेक करना चाहिए। सेल्फ़ चेक मतलब कि हम महीने में एक बार शीशे के सामने खड़ा होकर के अपने मुंह को खोल लें, और उसमें हम देखें कि कहीं कोई आपको कोई छाला तो नहीं दिख रहा है, वो छाला जो कि 2-3 हफ्ते तक ठीक नहीं हुआ हो और वो प्रॉपर हील नहीं हुआ हो, या कहीं आपको कोई वाइट पैच या रेड पैच तो नहीं है, कहीं आपको कोई रफ एरिया तो नहीं दिख रहा है, या फिर अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग। अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग मींस कि आपको एकाएक मुंह में ब्लीडिंग होना। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कई लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं तो उनकी जो माउथ की ओपनिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जनरली हम लोग जब मुंह खोलते हैं तो हम लोग के 4 फिंगर्स अंदर जाने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे तंबाकू की वजह से आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो कम होती है। उसको हम लोग अपने उसमें सब म्यूकस फाइब्रोसिस करके बोलते हैं। ये भी आगे चल करके कैंसरस हो सकता है। या फिर अगर आपको कभी कहीं कोई गांठ दिखे जो कि एकाएक बढ़ रही है, तो अगर ये सब वार्निंग साइंस हैं, तो अगर आपको ये कोई भी लक्षण दिखता है तो आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। जनरली ओरल कैंसर जो होता है ये हमारी आदतों की वजह से होता है। कई बार बुरी आदतें होती हैं, मैं बुरी इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि ये आपको नुकसान पहुँचा रही हैं, जैसे कि तंबाकू का सेवन करना, खैनी मुँह में रखना। खैनी मुँह में एक पर्टिकुलर स्पॉट पर रखते हैं लोग, और वहाँ पर वाइट पैच आ जाता है, रफ एरिया हो जाता है। या फिर स्मोकिंग करते हैं, जो बहुत अल्कोहल लेते हैं। कई बार हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो ये वाइट पैच हो गया है, पर मेरे में कोई भी ऐसी आदत नहीं है, ना तो मैं स्मोक करता हूँ, ना तो मैं अल्कोहल लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये वाइट पैच कैसे आ गया। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न है, उसकी वजह से भी मुंह में वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, लाइकन प्लेनस हो जाता है। तो ये होता, एंड कई बार शार्प एजेस, मतलब कि आपके जो दांत होते हैं नुकीले हो जाते हैं, और आपको वो टंग पे या चीक्स पे वो बार बार घाव करते हैं। तो ये सब चीज़ें, अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई पड़ता है तो प्लीज़ आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे पूछें, वो आपको एकदम सही राय देंगे कि भाई ये है क्या। प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस भी होती हैं, तो अगर वो नोटिस कर लेंगे तो आपका ये डिजीज़ जो है वो क्योर हो जाएगा। रिमेंबर, अर्ली डिटेक्शन इज द की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.